हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में। जैसा कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस आती हैं डेटा मैनिपुलेशन के अंदर, जिसमें अर्थमेटिक है, लॉजिकल है, और उसके अलावा हमारे पास है वहाँ पे शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। तो अर्थमेटिक में हमारे पास आती हैं, जैसे कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे सी लैंग्वेज में हम करते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स है, या डिवीजन ऑफ टू नंबर्स है। इस तरीके के जो अर्थमेटिक ऑपरेशन हम जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, ये ऑपरेशंस जो है वो बैकएंड पे कैसे परफॉर्म होते हैं, बैकएंड मतलब कंप्यूटर जो हार्डवेयर है, जो सीपीयू है, वो उसको कैसे परफॉर्म करता है बाय यूजिंग दीज इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले हमारे पास आती है अर्थमेटिक में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम कोई भी बेसिक कंप्यूटर की बात करें, बेसिक से भी बेसिक, स्मॉल से भी स्मॉल कंप्यूटर की बात करें, तो उसमें एटलीस्ट हमारे पास सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो होता ही होता है, और इन्हीं की हेल्प से हम मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मुझे 2 × 3 करना है, अब 2 × 3 करने के लिए मेरे पास एक और मेथड भी है कि मैं 2 को 3 टाइम्स अगर ऐड करूं तो आंसर मेरा क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो यानी हम एडिशंस की हेल्प से भी मल्टीप्लिकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब हमें प्रोग्राम इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है कि लूप में हम एडिशन को चलाएं। ऐसी अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन की हेल्प से हम डिवीजन को कर सकते हैं अगर हम लूप में चलाएं किसको, सब्ट्रैक्शन को। लेकिन अगर आपका हार्डवेयर, क्योंकि आज के टाइम पे हम जितने भी कमर्शियल सिस्टम यूज कर रहे हैं वहां पे एटलीस्ट हमारे पास सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो होता ही होता है। अगर नहीं है तो हमें थोड़ी सी वहां पे एफिशिएंसी जो है वो कम आएगी, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर हार्डवेयर नहीं है, तो हमें वहां पे सॉफ्टवेयर की हेल्प से, मतलब प्रोग्राम की हेल्प से हम इनको करना पड़ेगा इन दोनों को। लेकिन अगर हमारे पास हार्डवेयर अवेलेबल है तो हमारे पास वहां पे ऑप्टिमाइज आंसर आएगा, और मतलब आंसर आपका जल्दी से जल्दी आएगा। तो ये जो है चार चीजें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन जो है, इसके लिए ऑलरेडी हार्डवेयर अवेलेबल है जो ALU है वो बेसिकली परफॉर्म करता है। तो इन चारों की हेल्प से हम बाकी के मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है, एक्सपोनेंशियल हुआ, लॉगरिथम, जो भी इस टाइप के ऑपरेशन जो है वो मैथमेटिक्स के, हम इनको परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फोर। तो एक तरह से पूरा कंप्लीट कर देते हैं सारी की सारी जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं INC। इंक्रीमेंट मतलब हम सिंपली अगर बात करें कि मुझे वैल्यू को इंक्रीमेंट करना बाय 1 या डिक्रीमेंट करना है बाय 1, तो बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का फंडा क्या, हम रजिस्टर्स के अंदर जनरली यूज करते हैं। जैसे रजिस्टर्स होते क्या है, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है, और फ्लिप फ्लॉप्स की कलेक्शन को हम क्या कैसे बना सकते हैं, उनको एज ए काउंटर भी यूज कर सकते हैं। तो हम सिंपली काउंटर में एक क्लॉक पल्स के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन वो होगा कैसे, ALU को पता कैसे चलेगा, रजिस्टर तक हमने कैसे पहुंचानी है उस वैल्यू को, वो हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन के थ्रू करते हैं। यहां पे कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंस्ट्रक्शन और माइक्रो ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है। मतलब इंस्ट्रक्शन हम जनरली वर्ड यूज कर रहे हैं जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, माइक्रो ऑपरेशन क्या है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन। मतलब इंस्ट्रक्शन जो है एक बड़ी टर्म है, इसको परफॉर्म करने के लिए ALU को या मतलब प्रोसेसर को इंटरनली और भी स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें मुझे ये करना है C = A + B, मतलब A + B का जो एडिशन है वो मुझे C में डालना है उसका रिजल्ट। अब यहां पे मैंने तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा C = A + B, लेकिन कंप्यूटर इसको कैसे करेगा, तो हमारे पास जो है ये जब कंपाइल हो जाएगा पूरा कोड, जब एग्जीक्यूटेबल में बन जाएगा, तो एक तरह से ये इंस्ट्रक्शन में स्टोर हो जाएगा, जहां पे मेरे पास होगा अप कोड, और अप कोड के अलावा यहां पर होगा ऑपरेंड। अब अगर हम बात करें, मल्टीपल तरीके हैं हमारे पास, 3 एड्रेस है, 2 एड्रेस है, 1 एड्रेस है, 0 एड्रेस है। लेट्स टॉक अबाउट कि अगर हमारे पास 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, 3 एड्रेस का मतलब क्या है कि हमारे पास 3 एड्रेस है, मतलब यहां पे हमारे पास सोर्स डेस्टिनेशन भी है, और यहां पे 2 सोर्स भी हमारे पास, उनका एड्रेस भी जो है वो यहां पे पड़ा हुआ है। मतलब आपको एक ही इंस्ट्रक्शन में सोर्स भी और डेस्टिनेशन का एड्रेस वहां पे मिल जाएगा, और आपको करना क्या है, उनके बीच में एडिशन करना है, तो आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो भी यहां पे मिल जाएगा। तो लेट्स से कि C = A + B, तो ये क्या बन जाएगा, सी डेस्टिनेशन है, ए और बी क्या है, यहां पे सोर्स है। तो जो भी हम एड्रेसिंग मोड यूज कर रहे हैं, अगर हम इमीडिएट यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम यहां से वैल्यू को उठा के हम एडिशन कर सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो यहां पे उनका एड्रेस दिया होगा, जो हम एड्रेसिंग मोड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे कहने का मतलब क्या है कि जो सिंपल एडिशन है वो ऐसा नहीं कि ऐड लिखने से काम हो जाएगा, बैकएंड पे मल्टीपल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इंस्ट्रक्शन फेच,
मतलब आपकी जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है मेमोरी में, उस मेमोरी से उठा के उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उसको आगे क्या करेगा, उसको इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा। अब इंस्ट्रक्शन को जब डिकोड करेंगे तब पता लगेगा हमें कि ऑपरेंड कहाँ है, मतलब ऑपरेंड की वैल्यू जो है वो कहाँ पे है, और उसके बाद हमें पता लगेगा डिकोड करने के बाद कि अपकोड मतलब करना क्या है। जब हमें डिकोड करने के बाद ए की वैल्यू मिलेगी, बी की वैल्यू मिलेगी, और इनके बीच में करना क्या है, जब ये सारा काम परफॉर्म होगा तब जाके ये पूरी की पूरी कमांड जो है, पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन जो है वो वहां पे स्टोर होगी, मतलब ये पूरी इंस्ट्रक्शन तब जाके एग्जीक्यूट होगी। तो बैकएंड पे माइक्रो ऑपरेशंस क्या है, स्मॉल ऑपरेशंस हैं जो बैकएंड पे परफॉर्म होते हैं, जिसको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल में डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहां पे एक बेसिक सा ओवरव्यू मैं यहां पे दे रहा हूं कि एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन काम कैसे करती हैं, और अगर हमारे पास हार्डवेयर अवेलेबल है तो हमारा रिजल्ट जो है वो जल्दी आएगा, ऑप्टिमाइज होगा, अदरवाइज हम मल्टीप्लिकेशन लूप में भी इसको चला सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली डिपेंड करती है कि आपका हार्डवेयर कैसा है या आप क्या किस डेटा के ऊपर काम कर रहे हो। मतलब अगर आप दो इंटीजर को ऐड कर रहे हो या दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ऐड कर रहे हो, तो उसके बेस पे भी हमारे पास जो है वो डिपेंड करती है कि हमने इंस्ट्रक्शन को कैसे लेना है, कैसे यूज करना है। क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन इंटरनली, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था जिसमें हमने डेटा ट्रांसफर की वीडियो डिस्कस की थी, तो डेटा ट्रांसफर में भी जो एक इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर मल्टीपल वेरिएशंस जो है वो पॉसिबल है, और ये वेरिएशंस हार्डवेयर के ऊपर बेस्ड है, क्या किस डेटा पे आप काम कर रहे हो उसके ऊपर बेस्ड है, या फिर एड्रेसिंग मोड आप क्या यूज कर रहे हो उसके ऊपर बेस्ड है। मतलब आप इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी मल्टीपल वेरिएशंस हैं जो हम यूज करते हैं। देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, एड विद कैरी। एड विद कैरी का मतलब क्या है कि कई बार जब हम एडिशन करते हैं दो नंबर का तो वहां पे क्या आता है, कैरी आता है। अब कैरी को भी हमने क्या करना है, ऑब्वियसली स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने नेक्स्ट टाइम हो सकता है उस कैरी को हमने यूज करना हो। लेट्स से अगर हम बात करें 1101, तो लेट्स से कि यहां पे 11 मतलब 0 और ये क्या आया 1, और अगेन 1+1 यहां पे 0 आया और 1 क्या बना यहां पे, कैरी। तो मतलब कहने का क्या है कि इस कैरी को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जो हम एग्जीक्यूट करेंगे इंस्ट्रक्शन तो वहां पे मुझे इसको यूज करना पड़ेगा। ऐसी अगर हम बात करें सबट्रैक्शन विद बोरो, मतलब अगर हम यहां पे सबट्रैक्ट करते हैं लेट्स से 1001, तो यहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां से कैरी करना पड़ेगा। ये जब कैरी किया तो इस मतलब कैरी इन द सेंस कि यहां पे मुझे बोरो करना पड़ेगा, तो ये बोरो जब हम यहां पे कर रहे हैं तो उस बिट को भी मुझे क्या रखना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में उसको यूज कर सकें। तो कैरी और बोरो इन दोनों को हम यूज करते हैं। तो कई इंस्ट्रक्शन में जहां पे कैरी और बोरो यूज हो रहा है तो वहां पे हम इन इंस्ट्रक्शन की हेल्प से उनको एग्जीक्यूट करते हैं। देन आता है हमारे पास नेगेट। नेगेट जनरली हम यूज करते हैं माइनस में नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेट्स से कि अगर हमारे पास नंबर है 5 और उसको मुझे -5 में चेंज करना है, तो जनरली हम यूज करते हैं नेगेट का। और रियल लाइफ एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं, 5 को -5 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय यूजिंग द टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से हम करते हैं, लेकिन बैकएंड पे प्रोसेसर इसको कैसे करता है या हम इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे नेगेट। तो ये है बेसिक फंडा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस का। लेकिन याद रखना कि इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी मल्टीपल वेरिएशंस हैं, वो डिपेंड करती हैं कि आप किस डेटा के ऊपर काम कर रहे हो, फ्लोटिंग नंबर के ऊपर काम कर रहे हो या फिर इंटीजर के ऊपर काम कर रहे हो, या फिर आप कौन सी एड्रेसिंग मोड के ऊपर काम कर रहे हो, तो उसके बेस पे कुछ कुछ चेंज जो है यहाँ पे होता रहता है। थैंक यू।